तो चेहरे का हाल देख रहे हो तुम लोग। यही होता है, यही होता है जब तुम 3 दिन तक बिना ड्यूटी जाए घर में बैठे रहोगे ना, बस यही होता है। देखो हम लोग हेट तो करते हैं अपने काम को, ड्यूटी जाना पसंद नहीं हम लोगों को, घर में बैठे रहने से थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिव थोड़ा बूस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को हमारे लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपना रेगुलर रूटीन है, रेगुलर टाइम टेबल वो फॉलो हो, नहीं तो ऐसे ही बैंड बन जाते हैं। अरे ये पीछे देख रहे हो सीलन, तुमको लगता है ये बंदा कोने में जाके मूतता है अपने घर के? नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी क्वार्टर से ऐसे ही रहते हैं ये। अब सवाल ये है कि हम 3 दिन से ड्यूटी गए क्यों? तो देखो ऐसा है कि हम BSNL का नया एक कनेक्शन लिए। पहले हमारे पास रेलटेल का था, स्पीड उतना अच्छा नहीं था, अपग्रेड करने का उतना ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा था, इसलिए हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा स्विच ओवर किया जाए। तो BSNL का भी फाइबर वाला नया हमारे एरिया में आया है। हमारे पास एरिया में चूंकि ये डिफेंस एरिया है तो आपको जियो का कनेक्शन नहीं मिलेगा, एयरटेल फाइबर का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो रहे कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक आपका रेलटेल का और एक आपका BSNL का। तो BSNL का नया आया था यहाँ पर फाइबर वाला, पहले तो कॉपर वाला था तो वो तो सही जमा नहीं, तो फाइबर वाला आया था तो हमने सोचा कि चलो कनेक्शन ले लेते हैं। हमने मैसेज वैसेज करके सब चीज़ें सेट किया तो पता चला है कि ठीक है मंडे को आएंगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद तुम्हारा 1 दिन बाद हम लोग केबल को ले कर देंगे और उसके बाद आपको ऑर्डर आने पर हम लोग उसको आपको राउटर दे देंगे 4,000 रुपये, जिसके लिए वो लोग चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो मंडे आ गया, डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो गया, ट्यूजडे हमारा हो गया, आपका केबल पूरा लेइंग हो गया, और वेडनेसडे जो कि आज पूरा दिन मैंने वेट किया कि वो बंदे आके कनेक्शन को फाइनल करके रोटर दे देंगे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए। BSNL वाले बिल्कुल खरे उतरे हो तुम हमारी उम्मीदों से। लोग जो कहते हैं ना BSNL की सर्विस ऐसी तैसी, तुम यार कनेक्शन देने के टाइम ही ऐसी गत करा के बैठोगे अपनी, तो मैं सोच सकता हूँ कि आने वाले जो 6-7 महीने 8 महीने जो तुम्हारा मैं कनेक्शन चलाऊंगा, तुम्हारा मैं फाइबर चलाऊंगा, तो उम्मीद नहीं है कुछ अच्छा होने। खैर अब चलो, जब डिसाइड हो गया है तो ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं। देखो बात ऐसा है कि माना कि BSNL वालों ने तुम्हारी पूरे दिन की गत कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने घर में बैठ के चूड़िया तोड़ो। देखो BSNL वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको कोई हक नहीं है मेरा दिन खराब करने। तो फिर ठीक है, हम लोग अब इस दिन को फिर से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली दिन नहीं, अब तो ये शाम ही हो गया, तो चलेंगे थोड़ा सा हम लोग मार्केट, कुछ कुछ सामान खरीद लेते हैं किचन के लिए, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़रूरी है। नेट आए चाहे नहीं आए, पेट भरते रहना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आ गए हम लोग घर। ये बहुत बड़ा सक्सेस था बेसिकली। देखो सक्सेस ऐसा है कि अगर आप
अगर आप जाएं सुपरमार्केट में और आप सिर्फ वही लेके आए जो आप एक्चुअली लेने गए थे, जैसे मेरे केस में मैं गया था आटा लेने के लिए और सिर्फ मैंने आटा ही लिया वहाँ पे और कुछ नहीं लिया बस, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है आपके लिए फाइनेंशियली। क्योंकि देखिए सुपरमार्केट के एरिया को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप मतलब जो बंदा जाए वहाँ पे तो जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सबसे लास्ट में होती हैं, सबसे एंड में होती है, ठीक है, और जो बाकी की फालतू चीज़ें हैं वो होती हैं सामने। तो उससे क्या होता है ना कि बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फालतू फालतू चीज़ें उठा के ले जाए। लेकिन अपने केस में क्या है, हम गए थे आटा लेने के लिए और बिल्कुल फोकस्ड तरीके से हमने काम किया और हमने सिर्फ और सिर्फ आटा ही लिया, तो ये एक ग्रेट सक्सेस है हमारे लिए। देखो अब जो हम लोग आटा लाए थे ना, अब उसको हम लोग कन्वर्ट करना है रोटी में, तो उस आटे को रोटी में तब्दील करने के पूरे प्रोसेस आप देखिए। फाइनली डिनर तैयार हो गया, हालांकि अभी 7 बजे हैं। वैसे मैं डिनर क्या होता है ना, ड्यूटी से आने के तुरंत बाद अपना जो बनाना है तुम बना के जल्दी खा लेते, ताकि बाद में 1 घंटा कुछ अपना पर्सनल काम कर सकते हैं सिस्टम में, तो स्टॉक मार्केट बारे में कुछ देख सकते हैं, अगर भाई लोग आए तो सब्जी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम में। क्योंकि देखो मिलता तो टाइम उन लोग को दिन में 3-4 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करो, फिर सुबह 1-2 घंटा तुम अपने सेल्फ रेस्ट रखो, तो मुश्किल मुश्किल 3-4 घंटे तुमको टाइम मिलता है। इसी टाइम में तुमको जो तुम्हारा गोल है या फिर जो तुम्हारा डेली रूटीन उसको करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जैसे ड्यूटी से है अपना जो बनाना हो पहले से डिसाइड करता है, तुरंत आओ बनाओ किचन में, उसके बाद फ्रेश होके मन करे तो खा लो, नहीं तो 1/2 घंटा 1 घंटा वेट करके फिर खा लो, उसके बाद अपना जो दिन का काम बचा हुआ है वो करके फिर सो जाओ। यही बेसिकली हमारा बोरिंग रूटीन है, कुछ खास एक्साइटिंग है नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक्साइटिंग बनाएंगे, तुम टेंशन बिल्कुल मत, बस वीडियो के साथ जुड़े रहना और चैनल के साथ बने रहना, कुछ ना कुछ तो हैपनिंग करेंगे चैनल में इसके लिए। और लेट्स रीस्टार्ट एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ फेल तो इससे पहले हुए बहुत बार, यूट्यूब में टेक्निकल चैनल बनाया उसमें फेल हुए, फिर बेसिकली क्या कि कॉन्सिस्टेंटली वीडियो डाला नहीं तो चैनल डेड हो गया। फिर उसके बाद एक बार फिर से स्टार्ट किया हमने, फिर से टेक्निकल चैनल को उस चैनल को फिर से स्टार्ट किया कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर वही कंसिस्टेंसी नहीं था, फिर फेल हो गए। उसके बाद फिर 1 साल बाद और वेट किया और 1 साल बाद फिर से स्टार्ट किया, रोस्टिंग स्टार्ट किया, कमेंट्री स्टार्ट किया, और फिर उसके में भी बीच में क्या हुआ कि एग्जाम आ गया, तो एग्जाम आने की वजह से छोड़ना पड़ा और छोड़ दिया, तो 6-7-8 महीने हो गए, तो फिर वो भी ख़त्म हो गया। और लास्ट अब ये ट्राई करेंगे ब्लॉगिंग करेंगे और डेली डे टू डे लाइफ के बारे में बताएंगे, ज़्यादा टेंशन कुछ है नहीं, जो भी चल रहा है आपके साथ वो भी बताते, इसलिए मेरे ख्याल थोड़ा ईजी होगा और शायद कंसिस्टेंटली बन सके इस चैनल में, शायद कंसिस्टेंटली वीडियो आ सके बस, क्योंकि 4 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब में मैंने टाइम वेस्ट ही किया और कुछ नहीं, क्योंकि आओ वीडियो बनाओ 2-4 महीने तक बनाओ, जब तक मोटिवेशन आया रहता है तब तक बनाओ, उसके बाद फिर जब मोटिवेशन डाउन होता है तो फिर वीडियो बनाना सीख गया। उस तरह के मेरे पास टोटल 3 या 4 सेशन ऐसा हो गया, सीजन 1 में टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया, सीजन 2 में फिर से वही चैनल को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए वीडियो डाले, सीजन 3 में फिर से कमेंट्री स्टार्ट किया, और अब यह है सीजन 4। सीजन 4 में हमने स्टार्टिंग किया ब्लॉगिंग और देखते हैं कि कहाँ तक ये गाड़ी चल पाती है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बस देखते हैं कहाँ तक।